अरे क्या कर रहे हो? ये! बस बस बच्चों रुको। ये क्या है अम्मा? चावल जो तुम रोज खाती हो। पर वो तो दुकान पर पैकेट में मिलता है। पैकेट में? वो दुकानों में किसानों के खेतों से ही तो आते हैं। इसका मतलब किसान कितना इम्पोर्टेंट काम करता है अम्मा। तो फिर वो गरीब क्यों होते हैं? सब नहीं होते, कुछ कावेरी की तरह अपनी बुद्धि के बल पर अपनी गरीबी को दूर करते हैं। कावेरी कौन अम्मा? चलो मेरा काम भी हो गया, अब मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी? वाह! इट्स स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। कावेरी विजयनगर में रहती थी और खेत के नाम पर उसके पास पथरीली जमीन का एक टुकड़ा भर था। वो बेचारी दिन रात उस पर काम करती ताकि अनाज बो सके। और उसका पति ब्रिज, वो तो समझो आलसियों का सरदार था। सोते हुए कौन खिलाता है? आराम से। सपने में घोड़ा गाड़ी चला ली हो तो अब खेतों में थोड़ी कुदाल भी चला लो। चला दूंगा आराम से। कावेरी को किस्मत से आम तो मिला, लेकिन मेहनत का मीठा फल अब तक नहीं मिला था। एक दिन हमेशा की तरह जब कावेरी अपने खेत में काम कर रही थी, तभी बहन, क्यों इस बंजर पड़े खेत में इतनी मेहनत कर रही हो? बेच दो इसे। चलो मैं ही 1000 सिक्के दे देता हूँ इसके। कम है? चलो 1500 ले लेना। दाल में जरूर कुछ काला है, वरना बंजर खेत कौन खरीदता है? कावेरी का शक बिल्कुल सही था। चंपत एक चोर था जो कावेरी के खेत से मंदिर तक सुरंग खोदकर आभूषण चुराना चाहता था। कावेरी को एक योजना सूझी। वो बोली, भैया ये खेत तो हमारे दादा परदादा की खानदानी निशानी है। राज की बात है, अब उनकी सारी दौलत इसी के नीचे गड़ी है। हाँ, मेरे पति को उसका नक्शा भी मिल गया है। देखो इसीलिए तो चैन की नींद सो रहे हैं वो। यानी तुम खेत अनाज के लिए नहीं, पुरखों की दौलत के लिए खोद रही हो। दौलत क्या, खजाना कहो भैया। लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताऊंगा बहन। मैं तो सिर्फ मंदिर के गहने चुराने आया था, यहाँ तो खजाने का पूरा पता दे दिया मेरी भोली बहन ने। चलो खजाना ढूंढे। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ भी नहीं, पूरा खेत खोद लिया, कुछ नहीं है यहाँ। जो काम कावेरी इतने दिनों में नहीं कर पाई, वो उसकी चतुराई ने चोर से एक रात में करवा लिया। ये कैसे हुआ? कुछ दिनों बाद बंजर खेत में फसल लहलहा उठी।
पहली फसल के मुनाफे से कावेरी ने अपने लिए साड़ी ली, फिर झुमके आए और ब्रिज के लिए मुलायम बिस्तर। घर में अब बहुत कुछ नया था सिवाय पुराने घर के। ओहो, इस घर का क्या करूं? अरे, सपने में हवाई किला बना लिया हो तो इस घर का भी कुछ सोच लो। यहाँ वहाँ से रो रहा है। हाँ हाँ, सोचूंगा आराम से। हाँ, दिन हफ्ते और महीने गुजरे, चंपक फिर विजयनगर आया और कावेरी को नई साड़ी और जेवरों के साथ देखते ही उसने अंदाजा लगा लिया कि खेत में गड़ा हुआ धन कावेरी को मिल गया है। बस फिर क्या था? कौन हो तुम? राहगीर हूँ भाई, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहरूपिया रूप बदल कर आया था लेकिन कावेरी की नजरों से बच नहीं पाया। वो अंगूठी देखते ही उसे पहचान गई। आप इधर आइए, थोड़ा रुकिए भैया। चोर शातिर था तो कावेरी भी चतुर थी। सुनो, आज रात को मौसी के यहाँ चलना है ना? भूल गए? वो घर में अकेली है। हाँ हाँ, समझ गई। तुम्हें अपने धन और जेवर की चिंता है ना? तो फिकर मत करो। मैंने वो घर की दीवारों में ऐसे छुपाई हैं कि मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। चलो चलो चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। भैया, घर का ध्यान रखना, हम सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है बहन। कावेरी और ब्रिज के जाते ही चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। बेचारा रात भर दीवारों से सर मारता रहा कि जेवर और गहने मिलेंगे, लेकिन मिले तो सिर्फ चूहे, कहीं चीटी और आपके आंसू। मेरा घर, मेरा प्यारा घर तोड़ दिया। अब कहाँ आराम करूंगा आराम से? ये घर तो कमजोर ही था, मिट्टी की छपाई कितने दिन चलेगी? नया बनाने के लिए ये गिराना तो पड़ता ही ना। अच्छा? और गिराने के सिक्के भी लगते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चोर बिना दाम के हमारा काम कर गया। और इस तरह कावेरी ने इस बार भी चोर को चकमा देकर अपना काम करवा लिया। कावेरी का नया घर बन गया। चोर भी कावेरी से बदला लेने के इरादे से वापस लौटा, पर इस बार एक अलग भेस में। चूड़ी ले लो, कांच की ले लो, लाख की ले लो चूड़ी ले लो। अंगूठी, ये तो वही भैया है, इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बहन, चूड़ी देखती ही रहोगी या लोगी भी? अब लेना तो मुझे बहुत कुछ है। रुको, मैं अभी एक मिनट में सिक्के लेकर आती हूँ। इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं खुद देखूंगा। अरे, सिक्के कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे, यहाँ भी नहीं मिल रहे। तो मेरी भोली बहन ने चोरी के डर से सिक्के पेड़ में छुपा कर रखे हैं। ओफो, अब क्या करूं? पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने सिक्के। भैया, पता नहीं सिक्के रखकर मैं कहाँ भूल गई। अगली बार आओगे तो जरूर चूड़ी लूंगी। अगली बार क्यों बहन, लो तुम तो मुफ्त में पूरी दुकान रख लो।
कावेरी, चूड़ियों की पूरी दुकान देकर कहाँ गया वो? पेड़ की कोह में धन खोजने। ये वही चोर था। इस बार ऐसा इंतजाम किया कि वापस नहीं लौटेगा, उसकी उम्र खत्म होगी, लेकिन पेड़ नहीं। तो अम्मा, उस चोर को धन मिला? होगा तो मिलेगा ना। खो में जीटियों का झुंड था, किसी में सांप, किसी में मकड़ी और कहीं मधुमक्खियों का छत्ता। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अम्मा, वो चोर अभी भी धन ढूंढ रहा होगा। क्या पता। कहीं वो चोर ढूंढे तो याद आ गया। अम्मा, मुझे बाबू के साथ नहीं खेलना। मुझे भी। तो मुझे कौन सा खेलना है? ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों के बीच जो एक दूसरे के साथ खेलना ही नहीं चाहते? बाबू हर बात में लंबी लंबी डींगे हांकता है। कहता है हर मिनट में 200 गोल कर सकता हूँ। 200? मैंने 200 कब बोला? अच्छा, तुमने तो ये भी बोला था कि एक मिनट में जितना बोलो उतने गोल कर सकता हूँ। अच्छा, तो जितने का मतलब 200 होता है। तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। शुरुआत तो तुम्ही ने की थी ना? अरे, ऐसे ही तो बिना मतलब के बातें फैलती हैं। अभी तुम लोग साथ में नहीं खेल सकते, कोई बात नहीं, मगर साथ बैठकर कहानी तो सुन सकते हो ना। It's story time with Sudama. विजयनगर में एक औरत रहा करती थी, संतोषी बुआ, जो बहुत ही बातूनी थी। उसे बातें करना बहुत ही पसंद था। वैसे तो पड़ोस में सुई भी गिर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। आजकल सुरेश के घर हर रोज मेवा मलाई चल रही है, पर मुझे क्या। लगता है कोई बड़ी मछली फंसाई है उसने, पर मुझे क्या। पूरे गांव में यहाँ क्या वहाँ क्या सबकी खबर रखती और फिर बोलेगी मुझे क्या। कल वापस आना। हाँ, आगे का कल बताऊंगी। अरे, पूरे दिन लोगों की बातें करते करते तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, अरे मैं तो केवल लोगों की बातें करती हूँ, तुम तो बस बातें बनाते हो, पर मुझे क्या। बनाते रहो। और मैं कब से बोल रही हूँ, इस टूटे फूटे कमरे को तुड़वा कर एक छोटा कमरा ही बनवा लो। मगर नहीं। ये टूटा फूटा कमरा। हाँ, अरे संतोषी, देख तो सही, अपने टूटे कमरे पर कितना सुंदर दुर्लभ कौआ बैठा है। दुर्लभ कौआ? ये कैसा दुर्लभ कौआ है, जिसके दर्शन ही दुर्लभ है। ये खबर तो बढ़िया है, मगर मुझे क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। मैं बाजार से होकर आता हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि इस दुर्लभ कौवे के बारे में किसी को जानकारी ना हो। गणेश ने संतोषी को इस कौवे के बारे में किसी से भी बात करने को मना किया था, मगर संतोषी कहाँ रुकने वाली थी, चल पड़ी अपने पड़ोसियों को सब बताने। अरे, ये क्या। संतोषी तुम, अरे ऐसे कौन आता है। अरे आते जाते छोड़ बहना। आज सुबह बहुत ही दुर्लभ कौवा मेरे घर के बाहर पेड़ पर बैठा था। हाँ, दुर्लभ कौवा, पर मुझे क्या। मैं तो देखते ही भागी भागी तुम्हारे पास आ गई।
ऐसा क्या दुर्लभ था उसमें? अरे सफेद कौआ था। सफेद कौआ? इतना बड़ा कि भैंस जैसा बड़ा। भैंस जैसा? इतनी लंबी पूंछ? हाँ? पूंछ वाला कौआ? अच्छा, और नहीं तो क्या? चलती हूँ। अच्छा, किसी को बताना मत। ऐसी खबर दी है कि चूल्हा जले न जले कलेजा जला दिया। अभी विमलावती को बता कर आती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ चूड़ियों को चमकाने में लगी हो और वहाँ संतोषी की चमक से सबकी आंखें चौंधियाने वाली हैं। क्या कहा? अरे उसके घर के छत पर एक सफेद कौआ बैठा था। सफेद कौआ, बड़ा सा। ये बात बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हाँ, यानी कि मेरी दादी ठीक ही कहा करती थी, जहाँ कोई सफेद कौआ दिखाई दे वहाँ अवश्य ही खजाना छुपा होता है। अजी सुनते हैं। जब भी कुछ लिखने वाला होता हूँ तुम सत्यानाश करने आ जाती हो। हाँ, सत्यानाश तो हम सबका होने वाला है। वहाँ संतोषी और गणेश बिना एक तिनका उठाए खजाने के मालिक बनने वाले हैं। तुम और तुम्हारे सपने। अरे सपना नहीं, सच कह रही हूँ। उनके घर पे आज एक दुर्लभ सफेद कौआ बैठा था जो कि बहुत बड़ा था। अरे यूँ कहो कि ऐरावत ही था वो, जिसका मतलब साफ है कि उसके घर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। क्या ये बात है? अब बात पहुंची है सही आदमी के पास। अरे कमलेश, आज इस तरफ कैसे? अरे मैंने सुना है कि एक अजीब सा पक्षी तुम्हारी बाहरी हिस्से के छत पे बैठा था। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात किसी को बताना मत, खासकर राजमहल तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओगे? कमलेश, जिसे संतोषी और गणेश फूटी आंख नहीं भाते थे, ईर्ष्या के मारे ये बात जहाँ गणेश ने ले जाने को मना किया था वहीं पहुँची। अद्भुत! राज्य की हर संपत्ति पे प्रथम अधिकार राजा का होता है। महाराज को सूचित करने से पहले सीधा उन्हें खजाना निकाल के ही देता हूँ। अति उत्तम। सेनापति जी, आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? अभी तक तो तुम भी कुशल से हो और हम भी। अगर तुम्हारे कमरे से खजाना मिला तो खजाना छुपाने के जुर्म में सबकी कुशलता खतरे में आ सकती है। सिपाहियों, तत्काल उस टूटे कमरे को खोदने की तैयारी करो। क्या? आखिर वहाँ खुदाई शुरू हो गई। पूरा गांव खजाने के इंतजार में वहाँ खड़ा रहा। महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या कमलेश, तुम्हें खजाने की खबर दी किसने? विमलावती ने। मेरी दादी कहा करती थी, जिस छत पे सफेद कौआ बैठता है वहाँ कोई खजाना छुपा होता है। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। किसने देखा सफेद कौआ? सत्यभामा ने। सिर्फ सफेद ही नहीं, हाथी जैसा विशाल था। सिर्फ सींघे ही नहीं, पूंछ भी थी। मुझे संतोषी ने ही तो बताया। हाँ बताया तो था, मगर क्या? जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हें कारावास में डाल देंगे। आ,
नहीं सेनापति जी, क्षमा कीजिए, मैं तो बस मुझे क्या पता था कि ये आपको बताते बताते खजाने का पता बन जाएगा, मुझे क्या। आज से इसका ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे घर का पता कारावास होगा। चलो यहाँ से। चलो, कुछ नहीं था यहाँ। उस घटना के बाद संतोषी की बात कोई नहीं सुनता। अब तुम्हें लगेगा कि घर टूटने से गणेश खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि संतोषी के बड़बोलेपन का फायदा उठाते हुए उसने अद्भुत कौवे की झूठी बात संतोषी से की, जिसके कारण बिना किसी मेहनत के ही उसने अपने टूटे हुए घर को तुड़वा कर अपना एक बड़ा सा बगीचा बनवा लिया। समझ गया अम्मा, अब मैं जो भी बोलूँगा सोच समझ के बोलूँगा। अरे तुम तो कहानी भी समझ गए और उसका सार भी। अब मैं चली केले के सूखे पत्तों को कटवाने। बाबू, तुम तो कह रहे थे कि जितने चाहे उतने गोल मार सकते हो। बिल्कुल मार सकता हूँ, बताओ बताओ कितने गोल करने हैं। उन सूखे पत्तों को गिराओ तो माने। हाँ हाँ, अभी लो। अरे ये कैसे हुआ, घंटों का काम मिनटों में कैसे हो गया। वो मैंने नहीं, आपकी कहानी के गणेश ने ऐसा किया है। जैसे कि उसने अपना पुराना कमरा संतोषी की बातों से तुड़वा दिया, वैसे ही मैंने आपका काम बाबू से करवा लिया। अयो, तुम लोगों ने मुझे ट्रिक किया। ट्रिक नहीं किया बाबू, कहानी से कुछ तुमने सीखा और कुछ इन्होंने। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.